सोएगा स्ट के आ गया हम न्यू वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एक ऑटोमेटिक वाटर डिस्पेंसर सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड क्योंकि मैं सबको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं ताकि आप लोग इजीली समझ सको और अपने लिए एक ऑटोमेटिक वाटर डिस्पेंसर या फिर सिमिलर सा कोई भी प्रोजेक्ट लाइक ऑटोमेटिक हैंड वॉश या फिर ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर इस तरह के प्रोजेक्ट आप ईजिली बना पाओ सो so, अभी देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सा कॉम्पोनेंट चाहिए इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने के लिए सो so, हमें चाहिए होगा एक नोडेम स्यू आई सेंसर रिले मॉड्यूल डीसी पंप पाइप कुछ जंपर वायर्स और प्रोजेक्ट को पावर देने के लिए आप बैटरी या फिर पावर बैंक का भी यूज कर सकते हो सो so ये है वो कॉम्पोनेंट जो हमें इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए अभी देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट का सर्किट डायग्राम सो सोयर सेंसर का जो तो आउटपिन है उसको मैंने कनेक्ट कर रखा है नोड एमसी डी पिन के साथ एंड वी को कनेक्ट कर रखा है नोडम सी थ्री वोल्ट के साथ एंड ग्राउंड पिन को कनेक्ट कर रखा है नोडेम सू ग्राउंड के साथ नोड एम सी डी पिन के साथ मैंने एक रिले मॉड्यूल कनेक्ट कर रखा है एंड सिमिलरली रिले मॉड्यूल का वी एंड ग्राउंड पिन को भी नोड एम सू थ्री वोल्ट एंड ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट कर दिया है एंड डी बम को रिले मॉड्यूल के साथ कनेक्ट कर दिया है एंड इंडिकेशन के लिए मैंने एक एलईडी लगा रखा है नोडेम सू डी एट पिन के साथ सो so, ये था हमारा सर्किट डायग्राम एंड बेडबोर्ड पर आप देख सकते हो सब कंपोनेंट मैंने यहाँ पे सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग सब कुछ कनेक्ट कर रखा है एंड अभी टाइम है नोडेम सू पे कोड अपलोड करने का उसके बाद हम प्रोजेक्ट को टेस्ट करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप पे मैंने कुछ पिंस डिफाइन कर रखा है एंड सेटअप फंक्शन के अंदर सीरियल डॉट बिगिन इन बॉडर रखा है इलेवन फाइव टू जीरो जीरो सीरियल मोनिटर को इनशिलाइज करा दिया है एंड नेक्स्ट मैंने तीनों पिन के लिए पिन मोड डिफाइन कर रखा है सो so पिन हम यूज़ कर रहे डी जीरो डी फाइव एंड डी एट पिन जिनको मैंने ऊपर कॉन्स्ट डिफाइन कर रखा है सेंसर पिन रिले पिन एंड एल ई पिन सो so रिले पिन के लिए पिन मोड के अंदर पास करना होगा आउटपुट एंड सेंसर हम यूज़ कर रहे हैं इनपुट लेने के लिए सो so पिन मोड के अंदर हमें इनपुट पास करना होगा एंड इंडिकेशन के लिए मैंने एक एल ई डी लगा रखा है सो एल ई डी पिन को भी मैंने पास कर दिया है आउटपुट एंड वॉइडलू फंक्शन के अंदर मैंने एक इन वेरिएबल बनाया है सेंसर वैल्यू नाम से एंड सेंसर पिन को डिजिटल रीड करके सेंसर वैल्यू पे असाइन करा दिया है एंड नेक्स्ट लाइन पे सेंसर वैल्यू को प्रिंट आउट करा दिया है सीरियल मॉनिटर पे एंड उसके बाद मैंने एक इफ कंडीशन लिया है कंडीशन चेक करने के लिए सो so, अगर सेंसर वैल्यू हाई है उस केस में हमें एल पिन को हाई करना है एंड रिले को भी हाई करना है हेल्स हमें एल को भी लो रखना है एंड रिले पिन को भी लो रखना है सो so, ये पीस ऑफ कोड का मतलब ये है कि अगर सेंसर कुछ डिटेक्ट कर रहा है तो उस केस में हमें एलईडी को ऑन करना है एंड रिले को भी ऑन करना है ताकि वाटर डिस्पेंस हो सके अदरवाइज एलईडी को भी ऑफ रखना है एंड रिले को भी ऑफ रखना है एंड नेक्स्ट टू हंड्रेड का मैंने डिले लगाया है सो कोड अपलोड करने के लिए आपको पोर्ट एंड बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद आप इस कोड को अपलोड कर सकते हो सो so, अभी इस कोड को अपलोड कर देते हैं एंड उसके बाद हम प्रोजेक्ट को टेस्ट करेंगे सो so, अभी आप देख पा रहे हो इनिशियली एल ऑन है एंड सेंसर इंटरफेरेंस डिटेक्ट करने पे एल ऑफ हो रहा है so, सो इसको, है, इसको आप फिक्स कर सकते हो इफ़ कंडीशन के अंदर डिजिटल राइट एल पिन हाई है इसको आपको रिप्लेस करना होगा लो से एंड सिमिलरली एल्स के अंदर डिजिटल राइट एल पिन लो है इसको हाई से रिप्लेस करना होगा एंड डीसी सी आप कनेक्ट कर सकते हो रिले मॉड्यूल एनओ एंड कॉमन टर्मिनल पे सो so, अभी सब कुछ सही से वर्क कर रहा है सो so, फाइनली अभी प्रोजेक्ट को फाइनल टेस्ट करके देख लेते हैं सो so, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारा वाटर डिस्पेंसर परफेक्टली वाटर डिस्पेंस कर पा रहा है सो so, इसका मतलब हमारा प्रोजेक्ट परफेक्टली वर्क कर रहा है और प्रोजेक्ट कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा सो so, इस वीडियो में इतना ही था अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को कर दो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर आप कोई भी एरर फेस करते हो तो आप नीचे कमेंट ड्रॉप कर सकते हो सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर हैव ए गुड डे